लेके असं हाजिर हाँ। सब तो पहला गल सीएम मान के घर के कोल मिले जो विस्फोटक मिलिया सी बॉम्ब मिलिया सी उसकी अज इस बॉम्ब नू डिफ्यूज़ करन दे वास्ते आर्मी की टीम पहुंची अते जो एक टोकरे दे विच पा के जो बॉम्ब बास्केट होंदी उस दे विच पा के इसनू इथों ले जाया गया। कल यह बॉम्ब इत्थे मिलिया सी जिंदा बॉम्ब सीएम मान दे रहायश के नज़दीक मिलिया सी जो रजिंद्रा पार्क है जिथे हैलीपैड है जिथे हैलीकॉप्टर उतरदा ते रवाना हुंदा उस जगह तो कुछ ही मीटर दूरी के उपर यह बॉम्ब मिलिया सीगा। कल शाम की यह घटना जिस के बाद पूरा हड़कंप इलाके मच गया, पुलिस प्रशासन को भी हत्थां पैरां दी पैगी ते अज आर्मी की टीम इत्थे बुलाई गई सी जिन्हां दे वल्लों बंब नू डिफ्यूज़ किया जाना सी, तां उसे दे चलदे आर्मी टीम इत्थे आई पूरे इलाके नू सील किया गया। एक जो बॉम्ब बास्केट हुंदी है उस दे विच बॉम्ब नू रखिया गया ते फिर हुण इत्थों ले जाया गया। दस्सिया जा रहा कि काफ़ी ज़्यादा समर्था है इस बंब दी, इसे दे चलदे इस नू इत्थे डिफ्यूज़ नहीं किया गया, दूर दुरार के किसी एरिए ले जाके इस डिफ्यूज़ किया जाना। फिलहाल आर्मी ने टीम इस बॉम्ब को लेके इतों निकल चुकिया ने ते किते होर जाके इस डिफ्यूज़ किया जाएगा। इस नाल ही गल करांगे कुलबीर नरुआणा की जिसके साथी अजीज़ खान की अज मौत हो गई है सड़क दुर्घटना के विच। अजीज़ खान की मौत हुई है संगरूर तो जाते वक्त एक टोल प्लाजा से धुंद के चलते हादसा वापरिया। अजीज़ खान की जो स्कॉर्पियो गड्डी सीगी डिवाइडर दे नाल जा टकराई, गड्डी दे परखच्चे उड़ गए ते अजीज़ खान दे इस हादसे दे विच मौत हो गई है। दस दी कि गैंगस्टर कुलवीर नरुआणा नू गोलियां मार के कतल किया गया सी, उसका बेहद करीबी सी अजीज़ खान, हर वक्त नाल हथियारबंद जो सुरक्षा उसके निजी सहायक सन वो मौजूद रहिंदे सी। इस दरम्यान अज धुंद दे चलदे उसकी गड्डी हादसे का शिकार हुई ते अजीज़ खान की इस हादसे दे विच मौत हो गई है। इस नाल ही गल करांगे सीएम मान दी जो लगातार एक्शन मोड दे विच नज़र आ रहे हैं ते अज एक हाई लैवल मीटिंग उन्होंने वालों की गई है। वड्डे अफसरां दे नाल एह मीटिंग हुई है नशे के खिलाफ होर सख्ती अपनाउण दी जो तैयारी दे विच है। मान सरकार इसे दे चलदे अज विचार विमर्श किया गया है कि जेड़े लोग नशा सप्लाई करते हैं नशे के तस्कर ने उन्हां दीआं प्रॉपर्टियां जब्त कीतियां जान, गंभीर मसलियां दे विच जो प्रॉपर्टियां ने उन्हां दी कुरकी कीती जावे, यह जो विचार विमर्श इस बैठक दे विच कीता गया। इस दे नाल नाल जिहड़ियां पंचायतां अपने पद्धर ते मता पा के जो जिन्हें भी पिंड ने उन्हां नू जेकर नशा मुक्त बनांदियां ने तां उन्हां नू सरकार दे वल्लों विशेष ग्रांट दित्ती जावे ते होर ज़्यादा सख्ताई वधाई जावे। इस दे नाल नाल जो लोगों नू लगातार धमकियां भरे कॉल्स आ रहे ने, फरौतियां मंगियां जा रही ने, उस मसले के उपर भी इस मीटिंग दे विच चर्चा हुई है ते जल्द कोई वड्डा ऐलान नशे के खिलाफ अते इन्हां धमकियां देण वालियां दे खिलाफ मान सरकार दे वल्लों कीता जा सकदा है। बेहद गंभीर इन्हां मसलियां दे विच जो मान सरकार है वह नज़र आ रही है। इसे दे चलदे अज इह हाई लैवल मीटिंग कीती गई है ते जो प्रॉपर्टियां ने नशा तस्करां दी उन्हां नू अटैच करन दी गल कही गई। इस दे नाल नाल जो कानून है उस दे विच वी इस संबंधी जो कानून उस दे विच वी सोध हो सकती है। इस नाल ही दस दिए कि सीएम मान इस मीटिंग तो बाद हुण अगली वड्डी मीटिंग दे वास्ते दिल्ली पहुँच चुके ने। कल SYL दे मुद्दे दे उपर मीटिंग होनी है, केंद्र ने बुलाया सीगा मीटिंग दे वास्ते, दोहां सूबियां दे दरमियान ये मीटिंग होनी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अते हरियाणा दे सीएम मनोहर लाल खट्टर इस मीटिंग दे विच मौजूद रहेंगे। मीटिंग दी अगवाई जो है वह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे। दोहां सूबियां दे दरमियान गलबात होगी। लगदा सी कि लगातार ये मसला अड़िया होया, इस तो पहला जदों दोहां सूबियां दी मीटिंग हुई सी तां सीधे तौर दे उपर सीएम मान ने कहा सीगा कि साडे कोल पाणी है ही नहीं। जिस वक्त इस नहर की गल हुई सी उदों हालात होर सन, लेकिन अज तक पंजाब दे कोल अपने जोगा पानी है नहीं तो असी भला पानी कितों दे दिए। तो इस चीज़ नूं लैके उदों तो मामला फिर तो लटकदा आ रहा है। केंद्र चाहुंदा कि इस मसले का हल होवे, इसे दे चलदे यह मीटिंग दोहां सूबियां दी बुलाई गई है ते कल दिल्ली दे विच यह मीटिंग होनी है जिसके वास्ते सीएम मान दिल्ली पहुँच चुके ने। अगे गल करांगे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस की जिन्हां दे वल्लों रोपड़ दे एक स्कूल नूं कारण दसो नोटिस जारी किया गया है। दस दिए कि सर्दियों के चलते जो ठंड वधी उसके चलते सरकार ने छुट्टियां का ऐलान किया होया, लेकिन इस दरम्यान एक स्कूल नूं खोलिया गया सी ठंड के बावजूद बच्चे उत्थे आ रहे सन। इसे दे कारण जो ये प्राइवेट स्कूल है इसनों नियमों की उलंघना करन दे चलते कारण दसो नोटिस सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के वलों जारी किया गया है अते कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी जिहड़े स्कूल इन्हां नियमों नूं नहीं मानते पे। इस नाल ही गल करांगे सबक AIG आशीष कपूर की जिन्हां के खिलाफ
एफ आई आर दर्ज हो गई है। रेप मामले दे विच एक बार फिर एफ आई आर दर्ज हुई है, जिस महिला दे वल्लों आशीष कपूर दे उपर इल्ज़ाम लगाए गए सी। दो दिन पहला वो पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित नूं मिलके आए ने, जिसते बाद यह एफ आई आर दर्ज हुई है। तो हुण एस आई टी इस मामले की जाँच करेगी। रेप दे इल्ज़ाम लगे सन, तीन मैंबरी एस आई टी गठित करके जाँच दे आदेश दे दिते गए ने। राजपाल दे दखल तो बाद यह एफ आई आर दर्ज हुई है। अगे गल करांगे जो सरहद दे उपर लगातार घुसपैठ दीआं कोशिशां हो रहीआं ने, ड्रोनस आ रहे ने, BSF उन्हां नूं मार गिराउंदी है, कदे नशे की सप्लाई की कोशिश की जाती है तो कदे हथियारां की सप्लाई की। इसे दरम्यान अज एक शख्स जो घुसपैठ करन की कोशिश कर रहा है उसनों ढेर किया गया। दसदे कि अमृतसर के अजनाला सैक्टर के विच पाकिस्तानी जो घुसपैठी है वह मारिया गया, वो इत्थे घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, उसनों नाकाम किया गया। तो BSF दे वल्लों इस शख्स नूं इत्थे ढेर कर दिता गया। द लगातार अजिहियां जो ताकत ने वह पंजाब का माहौल खराब करने में जुटिया रहिंदियां ने। इसे दे तहत मुकसर दे विच एक बार फिर खालिस्तानी नारे लिखे गए ने। जो SSP कंपलैक्स है उत्थे यह नारे लिखे गए, कंधा के उपर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। इसके बाद सिक्स फॉर जस्टिस के ग्रुप ऑफ पतवंत पन्नू के वलों इसकी जिम्मेवारी ली गई। धमकियां एक बार फिर पंजाब सरकार अते पंजाब पुलिस नूं दित्तियां गईयां ने। पंजाब पुलिस के वलों इन्हां नारियां नूं मिटाया गया। दसदी कि पहला भी कई बार मुकसर के विच एक घटना वापर चुकी है, तो अज एक बार फिर जदों यह खालिस्तानी नारे लिखे गए तो पुलिस नूं भजना पै गईयां। जल्द इन्हां कालक पोत के इत्थों मिटाण की कोशिश की गई। तो दूजे पासे जो सिक्स फॉर जस्टिस है उसके वलों इसकी जिम्मेवारी ली गई है। अंत दे विच गल करांगे मौसम की। लगातार पंजाब दे विच पारा हेठा डिगदा जा रहा है। बठिंडा दे विच सब तो ज़्यादा ठंड जो है वह नज़र आ रही है, 1 डिग्री तक पारा इत्थे रिकॉर्ड किया गया। संघनी धुंद की चादर एक बार फिर पंजाब भर दे विच पिछले 2 दिनों तो नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते 1-2 दिन कुछ सूरज जरूर चमकिया सी, लेकिन परसों तो फिर संघनी धुंद सवेरे शाम पूरे पंजाब नूं अपनी लपेट दे विच लैंदी हुई नज़र आ रही है। सड़क हादसे वापर रहे हैं, तो मौसम विभाग के मुताबिक शीत लहर हले होर लोगों को ठंड पहुँचाएगी ठारेगी। इसे दे चलते लोग एहतियात बरतन, जो संघनी धुंद छाई हुई है एहतियात दे नाल ड्राइविंग करन, क्योंकि बेहद ज़्यादा जो हादसे ने धुंद के चलते वापर रहे हैं। कल भी जलंधर हो गए या पटियाला हो गए, कई जगह के उपर धुंद के चलते गड्डिया की टक्कर हुई है, कई कीमती जाना इन्होंने हादसे चले गई ने। इसे चलते मौसम विभाग के वालों अलर्ट किया गया कि ठंड हले होर वधेगी, तापमान होर गिरावट आ सकती है, इसे लिए एहतियात बरती जाए। देश दुनिया दी होर वड्डियां खबरां दे वास्ते बने रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल।